मुंबई में प्रवासी उद्योगपति और व्यापारियों रे साथ है करी चर्चा। कया राज्य रा उद्योगपति दुनिया भर में कमायो नाम। जयपुर में पुलिस चर्चा में आयोड़ा किडनी ट्रांसप्लांट मामला में दो चिकित्सका ने करियो गिरफ्तार। जेकेलो सफाखाना सो प्लाज्मा चोरी करण वाला लैब टेक्नीशियन ने भी करियो गिरफ्तार। केदारनाथ गंगोत्री और जमनोत्री पछे आज बद्रीनाथ धाम रा खुलिया कपाट। मोकला श्रद्धालु करिया दर्शन। गर्मी रे बीच बांसवाड़ा रा माही बांध में फ्लेमिंगो रो जमावड़ो। भोजन री उपलब्धता और माकूल पर्यावरण री वजह सु हर बरस आवे है मोकला राजहंस। जबरा तावड़ा सु तपरिया राज्य ने आंधी बिरखा और ओला सु मिली राहत। राजधानी जयपुर में धूल भरी आंधी रे साथ है पड़िया छाटा। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आपको स्वागत है। खबर रे साथ है मैं अर्चना मेहता। अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुंबई में प्रवासी उद्योगपति और कारोबारियां रे साथ चर्चा करी। इन मौके मुख्यमंत्री कया के राज्य रा उद्योगपति देश और दुनिया में घणो नाम कमायो है। वे कया के राज्य सरकार प्रवासियां ने अपनी मातृभूमि सु जोड़न वास्ते खास कोशिशा करेला। किसी भी तरह की कोई परेशानी हमारे प्रवासी भाइयों को पूरे देश में कहीं किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो इसकी चिंता हमारी सरकार करे। कई बार मैंने कहा है कि हमारे प्रवासी भाइयां रहते हैं उनके बारे में उन्होंने भी कहा है कि हमारे यहाँ हवेली है, हमारा गांव का मकान है, हमारी खेती है, आप निश्चिंत रहिए, आपका वो भी सुरक्षित रहेगा और आप यहाँ भी पूरी तरह से काम करिए और वहां भी काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सोचा है कि आप आते हैं तो अभी तो बीच शादी में आते हैं, कहीं किसी कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से ये करने वाले हैं कि कम से कम राजस्थान में आप तीन बार तो चार बार तो आए हैं और एक दिन में लौट के नहीं आए हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं तो कम से कम राजस्थान के अंदर अपने घर जाकर के तीन दिन और चार दिन आप रह करके आए, इस तरह की व्यवस्था हम करने वाले हैं। जयपुर में चर्चा में आयोड़ा किडनी ट्रांसप्लांट मामला में पुलिस दो चिकित्सका ने गिरफ्तार करियो है। पुलिस फोर्टिस अस्पताल रा डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी और संदीप गुप्ता ने गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। जयपुर राज्य के लोन सफाखाना ब्लड बैंक सु प्लाज्मा चोरी करण वाला लैब टेक्नीशियन किशन सहाय कटारिया ने भी गिरफ्तार कर लियो गयो है। मामला दर्ज भी पछे लैब टेक्नीशियन फरार भी गयो हो। केदारनाथ गंगोत्री और जमनोत्री पछे आज बद्रीनाथ धाम रा कपाट खुल गया है। कपाट खुलता ही मोकला श्रद्धालु भगवान रा दर्शन करया। मींदर ने 15 क्विंटल फूलों सु सजायो गयो है। गर्मी रे बीच बांसवाड़ा रा माही बांध में आदणा फ्लेमिंगो पक्षियां गिने राजहंस रा नाम सु भी जानियो जावे है उनरो जमावड़ो लागियोड़ो है। पर्यावरण प्रेमिया रे मुजब माही बांध में भोजन री पर्याप्त उपलब्धता और माकूल वातावरण री वजह सु हर बरस राजहंस पक्षी अठे आवे है। भारत में इनरी दो प्रजातियां पाई जावे है। राजस्थान के दक्षिणांचल में अवस्थित बांसवाड़ा जिला अपनी हरियाली तथा पानी की प्रचुरता को लेकर प्रख्यात है।
जहाँ हरियाली होती है, पानी की प्रचुरता होती है, वहाँ पर बड़ी संख्या में परिंदे भी आते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सर्दी के दिनों में भी माइग्रेटरी बर्ड्स दिखाई देती हैं और गर्मी के दिनों में भी यहाँ पर बड़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। और गर्मी की बात करें, समर विजिटर्स की बात करें, तो गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र से यहाँ पर ग्रेटर फ्लेमिंगो का आगमन होता है। बड़े के बड़े झुंडों में ये परिंदे इन दिनों यहाँ पर दिखाई देते हैं। खास करके माही बैकवाटर एरिया में इनकी संख्या बड़ी दिखाई देती है हमें। फ्लेमिंगो जो पक्षी है, आकार में बहुत बड़ा पक्षी है, ये राजहंस नाम से भी जाना जाता है, और इन दिनों बांसवाड़ा के बैकवाटर में इनकी संख्या हजारों की संख्या में नजर आ रही है। और यह खुशी की बात है कि पिछले वर्ष से यहाँ पर इन फ्लेमिंगो की संख्या डबल है। अमेरिकी राजदूत पेट्रिशिया ए लेंसीना भरतपुर में कई ऐतिहासिक ठिकाना रो भ्रमण कर अठेरा इतिहास बाबत जानकारी ली। अमेरिकी राजदूत लोहागढ़ किला और अठेरा म्यूजियम रे बारे में भी जानियो। वे अठे दो दंडरा दौरा माथे है। वे आगरा और फतेहपुर सीकरी रा बुलंद दरवाजा देखिया पछे भरतपुर आया है। आज दुनिया भर में मदर्स डे मनायो जा रियो है। हर बरस मई महीना रा दूसरा रविवार ने मनायो जावन वालो ओ दण माँ कानी प्रेम समर्पण और आभार जतावन रो दण है। मदर्स डे रे मौके देखा आ खास रपट। इन पाँव में क्या रखा है? मेरे कलेजे से लग जा, मेरे कलेजे से लग जा, मेरे बच्चे, मेरे कलेजे से लग जा, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। सख्त रातों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। कुर्बानी, रहम, चाहत, बेकर्स मोहब्बत, तड़प और मासूमियत, जब ये तमाम जज्बे यकजा हो जाएं, तो बन जाता है एक लफ्ज माँ। माँ और फूलों में कोई फर्क नहीं होता, जिसकी गोद में लेटकर हम दुनिया के तमाम गम भूल जाते हैं। माँ कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा है, एक अनमोल खजाना है। वो आपका दूध जो खून बनकर मेरी रगों में जी रहा है, कहिए तो वो सब आपके पत्तों में बहा दूं। तेज तपती धूप में हवा का नर्म झोंका है माँ। माँ का दिल समुंदर से भी गहरा है, जिसमें औलाद की मोहब्बत उफान मारती है। उसके प्यार की गहराई का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। माँ हमें जन्म देती है, पालती है, पोसती है और इस लायक बनाती है कि हम समाज में अपनी कोई पहचान बना सकें। चाहे जो हो, उसके दिल से औलाद के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ ही निकलती है। माँ के बगैर घर वीरान है। माँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। दुनियादारी से कुछ वक्त मिले तो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाओ, क्योंकि दुनिया में अगर कहीं सुकून है तो बस माँ के कदमों में है। सपने सच हो जाते हैं, हर दुआ काम आती है, विश्वास की जोर है ऐसी, अपनों को खींच लाती है ये बंधन तो। साइमा खान, डीडी न्यूज। मदर्स डे रो उद्देश्य माता कानी आभार जतानो है, जो हर विपरीत हालात रो सामो करता थका अपना बच्चा रो पालन पोषण करे है। कहवा है कि जन्म रा टेम नवजात ने माँ रा स्पर्श सु नुवी ऊर्जा मिले है और टावर स्वस्थ रहे है। इन्हीं ने ध्यान माए राखता जयपुर रा जनाना अस्पताल माए कंगारू मदर केयर सेंटर संचालित करियो जा रियो है।
इणमय समय सुपेली जन्मया बच्चा ने मारो स्पर्श करार उन्हें चोखो स्वास्थ्य देवन की कोशिशा करी जा रही है। क्या था अपन सेकंड संडे जो मई का होता है उसमें अपन मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। उसमें मतलब क्या माँ जो होती हैं उनको अपन प्रमोट करते हैं कि वो अपने बच्चे का अच्छे ढंग से केयर करें, अच्छे ढंग से उनको दूध पिलाएं जिससे उनका बच्चा हष्ट पुष्ट हो। और ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें अपन मदर को थैंक बोलते हैं, आभार प्रकट करते हैं जो अपनी फैमिली के लिए वो जो अपना डेडिकेशन देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, अपने बच्चे के लिए जो प्यार करते हैं उसके लिए उनको सम्मानित करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपना बच्चे का अच्छे ढंग से ख्याल रखें। फर्स्ट टाइम बच्चों आया मेरे, लेकिन मेरे सिस्टर जी ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है कि बच्चों को कैसे पालना है, और मैं इसको जितना हो सकती हूँ मैं सीने से चिपका के रखती हूँ। जितना हो सकेगा मैं उसे अपने पास रखूँगी, चिपका के सीने से रखूँगी। मेरे बच्चे का वज़न थोड़ा कम है, मुझे यहाँ पर इस चीज़ के बारे में कंगारू मदर केयर के बारे में समझाया गया है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम ने यहाँ पे समझाया है और मैं 18 से 20 घंटे ये करती हूँ और मैं अपना ही दूध पिलाती हूँ। मदर्स डे पे मैं ये बोलना चाहती हूँ, मुझे भी, मैं अपनी माँ से दूर रहती हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन जब मैं लोगों की सेवा करती हूँ तो मैं ये सब चीज़ें भूल जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा एहसास होता है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर महानगर कानिसू भगवान परशुराम जन्मोत्सव रे मौके शोभा यात्रा काटेगी। शोभा यात्रा जलेब चौक सू शुरू होर कई रास्ता सू भेती भी बड़ी चौपड़ पुगर पूरी भी। अठे राज्यपाल कलराज मिश्र आरती करर शोभा यात्रा रो स्वागत करया। शोभा यात्रा माई मोकला संत महात्मा रे साथ है नागरिक भी शामिल हुआ। राजस्थान प्रदेश एवं पूरे भारतवर्ष के सनातनियों को, विश्व में जहाँ भी कहीं सनातनी रहते हैं उन सबको परशुराम जन्मोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं। संपूर्ण देश में हर्ष और उल्लास के साथ में चिरंजीवी देवता भगवान नारायण के अवतार परशुराम भगवान का उत्सव जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। एक हाथ में शस्त्र है, दूसरे हाथ में शास्त्र है, और ये सर्व ब्राह्मण समाज शास्त्र और शस्त्र का, ज्ञान और विज्ञान का, दोनों का स्मरण करते हुए संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए काम कर रहा है। शोभा यात्रा की पहचान अपने आप में राजस्थान में अपना एक स्थान रखती है और इस बार और साल की वजह से कहीं ज्यादा रूप में इसका भव्य रूप देखा जा रहा है। राजस्थान वॉलीबॉल एसोसिएशन रा चुनाव में रामानंद चौधरी अध्यक्ष और अंजू सिंह महासचिव चुनी गया। कोषाध्यक्ष पद माथे हेमराज सोनवाल चुनी गया। आ सब निर्विरोध चुनिया गया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर देखियो जा रियो है। जबरा तावड़ा सू तपरिया राज्य ने आंधी बिरखा और ओला सू राहत मिली है। राजधानी जयपुर में मोड़ी रात धूल भरी आंधी पछे छाटा पड़िया। प्रदेश रा कई हिस्सा में ओला पड़न रा समाचार है। मौसम में आया बदलाव सू पारो 2-3 डिग्री तय गिरियो है। पाछला 24 घंटा में सबू बेसी बिरखा राजसमंद्रा देवगढ़ में 42 मिलीमीटर दर्ज करी जी। आखिर में खास खास खबर एकर फेरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुंबई में प्रवासी उद्योगपति और व्यापारियों रे साथ है करी चर्चा। कया राज्य रा उद्योगपति दुनिया भर में कमायो नाम। जयपुर में पुलिस चर्चा में आयोड़ा किडनी ट्रांसप्लांट मामला में 2 चिकित्सका ने करियो गिरफ्तार। जेके लोन सफाखाना सू प्लाज्मा चोरी करण वाला लैब टेक्नीशियन ने भी करियो गिरफ्तार। केदारनाथ गंगोत्री और जमनोत्री पछे आज बद्रीनाथ धाम रा खुलिया कपाट, मोकला श्रद्धालु करिया दर्शन। गर्मी रे बीच बांसवाड़ा रा माही बांध में फ्लेमिंगो रो जमावड़ो। भोजन री उपलब्धता और माकूल पर्यावरण री वजह सू हर बरस आवे है मोकला राजहंस। जबरा तावड़ा सू तपरिया राज्य ने आंधी बिरखा और ओला सू मिली राहत। राजधानी जयपुर में धूल भरी आंधी रे साथ है पड़िया छाटा।
इंद्र साथ ही समाचार बुलेटिन पूरा व्यवस्था नमस्कार।